अच्छा ये बच्चे कौन कौन है बता सकते हो ये फोटो में? ये बच्चे जो हैं, ये हमारे पांचों बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं मेरे, तीन बेटी और दो बेटे। ये तो बचपन का फोटो होगा जी? ये इनके बचपन का फोटो। अच्छा सबसे बड़ा लड़का ये है ना? हाँ वो बड़ा बेटा वो है, ये बड़ी बेटी है जो तिलक कर रही है जी जी, पीछे जो खड़ी है छोटी बेटी है जो अमेरिका में है। अच्छा ये हाँ ये इसने जो है MBA किया है जी जी, ये अमेरिका में है। अमेरिका जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों, ये कि मेहमानों का कमरा है जैसे, ठीक है ये है, ये डाइनिंग। अच्छा ये किचन। अच्छा आपके बाबा जी का फोटो है ना? ये पिताजी, ये आपके पिताजी। तो ये देखते हैं भाई, टोपी वोपी पहनते थे जी बड़े? हाँ टोपी पहनते थे जी जी, कुर्ता धोती टोपी जी जी। तो ये अंकल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ऊपर बनवा रखा है भाइयों, ठीक है, अपना परिवार रहता है यहाँ पे, ये यहाँ के लिए जी जी। तो ये देखते हैं, तो ये जो कारीगर थे तो वो मतलब यहीं के थे बनाने वाले हैं, बाहर के बनाने वाले यहीं के थे जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों, और बहुत बहुत शुक्रिया करता है किसान चैनल अंकल जी का, चूल्हा है जी ये देखते भाइयों, और यहाँ से देख टॉयलेट जी जी। ये देखते भाइयों कितना शानदार तरीके से बनाया हुआ है हमारे अंकल जी ने, और सबसे बड़ी बात है अपना आज भी अपने अंकल जी गांव में रहते हैं, ठीक है। भाई सारे भाई आना भाई, फिर से स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। और भाइयों आज मैं आया हूँ भोपाल सिंह गुर्जर जी के आवास पर, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई बात करेंगे। बहुत ही अच्छी इन्होंने अपने जो पूर्वजों की जो कोठी है निशानी है उसको बरकरार रखा हुआ है, ठीक है। ये देखते हैं, बातचीत भी करेंगे, ठीक है। बहुत ही सुंदर मकान बनाया हुआ है, ठीक है, गांव देहात में, ठीक है। जो ये मकान है इनके पिताजी के टाइम का मकान है भाइयों, ठीक है। ये देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है जी, ठीक है। और अभी मैं मिलवाऊँगा अभी, ठीक है, उधर साइड में पशुओं का रखा है, ठीक है। तो ये देखते हैं जैसे कोई बाहर का भी मेहमान आ गया उसके लिए मूड़े वूड़े भी छार के बड़े सुंदर तरीके से, ठीक है। ये देखते हैं भाइयों, तो अब चलते हैं उनसे बातचीत करेंगे। ये तो इधर साइड में मूड़े भी छा रखे, ठीक है। ये देख लो जी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैसे कोई बाहर का मेहमान आ गया, ठीक है। और ये देखते हैं भाइयों काफ़ी पुराना मकान है, तो सामने बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आ जाओ एक बार, किसान भाइयों ने राम राम कर दो जी। सभी किसान भाइयों को राम राम जी जी जी। अंकल जी अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम भोपाल सिंह गुर्जर जी जी। तो जैसे अंकल जी जुकुर बात करें, जैसे आपका ये मकान है ये आपके पिताजी के टाइम का मकान है? जैसे ये आधा मकान हमारे पिताजी के टाइम का है, अब से 50 साल पुराना जी जी जी। और इसके ऊपर जो मकान बना हुआ है वो नया है। अच्छा वो आपने बाद में बनवाया? वो हमने बाद में बनवाया जी जी। तो जैसे जुकुर बात करे, जैसे आपने बड़ी सुंदर बैठक बनवा रखी है जी, ये आपने बनवाई है बढ़िया तरीके से? हाँ बिल्कुल। ये देखते भाइयों अभी आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। इधर साइड में देखते हैं सभी लगा रखे हमारी योगी आदित्यनाथ जी के, और इधर साइड में देखते हैं यहाँ पे हमारे अंकल जी का फोटो है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी से भेंट करते हुए। तो ये कब का फोटो है जी आपका योगी आदित्यनाथ जी से वार्तालाप की थी जब आपने? ये हमारे जब हमने पार्टी ज्वाइन की खतौली विधानसभा उपचुनाव में जी जी, तो उसके बाद हम महाराज जी से मिले थे जी जी अंकल जी, उस वक्त का फोटो जी जी। तो जैसे जुकर बात करें, जो आपके पिताजी थे वो क्या करते थे जी अपने टाइम? हमारे पिताजी तो सीधे साधे किसान थे, किसान परिवार में उन्होंने जन्म लिया जी जी, और अंत तक किसान के रूप में ही जो है अपना जीवन यापन किया जी जी। उस टाइम पे खेती बाड़ी करते थे वो? खेती बाड़ी करते। आपके पिताजी के टाइम पे तो जी घोड़ी बैल वैल सब रहे होंगे इस ज़माने में, है ना? हाँ जी। सारी चीज थी, शौकीन थे पिताजी काफ़ी जी जी। उस टाइम पे तो ऐसा बताते हैं जी भैंस वगैरह भी काफ़ी काफ़ी रहती थी? हाँ जी काफ़ी। अच्छा हमारे पिताजी को और किसी चीज़ का शौक नहीं था, दूध दही घी का शौक था जी जी जी। तो इसलिए भैंस गाय तो हमेशा रखते ही थे जी जी, जिससे कि दूध दही की घी की मौज रहे आने वालों के लिए, खाने वालों के लिए जी जी। तो ये देखते हैं हमारे अंकल जी हैं भाइयों, ठीक है। और जैसे बात करें, जैसे आप राजनीति में कब से हो जी, जैसे ये शौक जैसे होता है एक तो बचपन पने से होता है जैसे जी? ये मेरा शौक जब मैं पढ़ता था जी जी, तो उसी वक्त मेरे एक मन में बात आई कि राजनीति करनी है जी जी अंकल जी, और समाज सेवा करनी है जी जी। मैंने सोचा कहाँ से शुरुआत करूँ जी जी, तो यहाँ एक ब्लॉक के माध्यम से युवक मंगल दल का गठन जी जी होता था, जिसमें खेल का सामान मिलता था जी जी। तो हमने युवक गांव के 250 युवा इकट्ठा किए जी जी, और उनमें मुझे अध्यक्ष चुना गया जी, युवक मंगल दल का गठन किया जी जी, बच्चों को खेल का सामान मंगवा के खेलने की व्यवस्था कराई, गांव में चंदा इकट्ठा करके बस स्टैंड पे स्लिप डलवाई जी जी, और मंदिर का जीर्णोद्वार कराया जी जी, नालियां साफ कराई। उस वक्त पैसा ग्राम पंचायतों में बहुत कम आता था जी जी अंकल। फिर एक जुनून आया कि गांव में मुझे मेमरी का चुनाव लड़ना है
जी जी अंकल। लेकिन उसी दौरान पहली बार 95 में BDC का जी जी अंकल चुनाव हुआ, तो मैं BDC का चुनाव लड़ा जिसे मैं जीता जी जी। तो उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का चार्ज मेरे पास 3 वर्ष रहा जी जी। उसके बाद फिर मैं प्रधानी लड़ा जी जी। एक योजना मेरी पत्नी और एक योजना मैं जी जी। दो योजना हम ग्राम प्रधान रहे जी जी। फिर 2005 से 2010 तक की जो हमारी प्रधानी थी जी जी, उसमें 1.5 वर्ष पहले मैंने अपनी पार्टी के लोगों की एक मीटिंग बुलाई जी जी। और उसमें मैंने ये घोषणा की जी जी कि मैं अब कोई चुनाव गांव में नहीं लड़ूंगा जी जी अंकल जी। और मैं जो भी चुनाव राजनीति करूंगा बाहर की करूंगा जी जी। फिर मैंने उसके तुरंत बाद चौधरी अजीत सिंह जी को राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्हें अपने घर पर बुलाया जी, मीटिंग की और मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। लेकिन इससे पहले भी बचपन में जी जी 1992 में मैं BJP में आ गया था जी जी। संघ में भी मैंने काम किया जी जी। और BJP में भी रहा और जिले की रविंद्र भड़ाना जी जो पहली बार जिला अध्यक्ष बने उनके साथ में जिला कमेटी में भी मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और अब खतौली विधानसभा के उपचुनाव से मैं राष्ट्रीय लोकदल के अनेक पदों पर रहा हूँ जी जी। मैं प्रदेश कमेटी में भी रहा हूँ अनेक पदों पर। किसान भाइयों देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे अंकल जी ने। और जिक्र बात करें जैसे जी आपके जो पिताजी है इनका क्या नाम था जी, बब्बा जी का जी? श्री रामचंद सिंह जी जी। तो बब्बा जी को भी शौक था जैसे अपने टाइम पर जैसे प्रधानी वगैरह का जैसे? नहीं, उन्हें राजनीति का कोई शौक नहीं था जी जी। ये तो एक मेरा ही बचपन से जुनून था जी जी। वो तो बिल्कुल सीधे साधे एक व्यक्ति रहे हैं जी जी। और बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति और बिल्कुल सच्ची बात कहने वाले व्यक्ति रहे हैं। जबकि राजनीति हमारे उससे पहले जो है परिवार में रही है जी जी। लेकिन वो हमारे दूसरे बाबा जी थे वो करते थे। अच्छा, आपके दूसरे बाबा जी करते थे? दूसरे बाबा। तो जैसे पिताजी का भी सपोर्ट रहा आपको जैसे? हमारे पिताजी का सपोर्ट तो पूरा रहा, लेकिन वो कहते थे कि भाई हमें कौन बना रहा जी जी, हमें इस गांव में जो है कौन प्रधान बना देगा जी जी। हाँ। और हार जाओगे पैसे का नुकसान होगा जी जी। बहुत पैसा लगता है आजकल चुनाव में, बहुत पैसा लग जाता है जी। तो लेकिन हमारा जुनून था कि नहीं, हम जीते या हारे चुनाव जरूर लड़ेंगे जी जी। और गांव की जनता का हम 4 चुनाव इस गांव में लड़े हैं जी जी। एक कोऑपरेटिव का, एक क्षेत्र पंचायत का जी जी, और 2 प्रधानी के जी। 4 चुनाव हमें गांव ने जिताए। गांव का पूरा इस गांव का बड़ा सहयोग और बड़ा हमारे ऊपर एहसान है जी। हम रेडी हैं गांव के जी जी। और हम दिल से धन्यवाद गांव का करते हैं और पूरे जीवन करते रहे जी जी। तो जैसे जिक्र बात करें इधर, तो आपकी माता जी है ना? ये हमारी माता जी है, 2 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो गई जी जी। माता जी का क्या नाम था जी? श्रीमती सुमृति देवी जी। तो कौन से गांव की थी माँ जी है? ये नवल गांव पड़ता है, हरीशपाल सांसद जी का गांव है ना? जी जी जी, नवल गांव वहाँ से हूँ बहुत है जी जी, वहाँ की रहने। तो जैसे माता जी का भी आपको पूरा सपोर्ट रहा जैसे? मेरे पिताजी भी और माँ जी भी जी जी, वो बहुत ही, मैं उनका भक्त था वो मेरे भक्त थे जी जी। मैंने कभी उनसे कोई बात कह दी जी जी तो उन्होंने मेरी बात काटी थी, उसको पूरा सपोर्ट दिया। अच्छा, जैसे कुछ बातें याद आती है जैसे बेटा ऐसे आगे बढ़ना है, परिवार को ऐसे लेके आगे बढ़ना मेरे है? मेरे पिताजी मुझे हमेशा जो है जी जी, घर में भी और जब मैं बाहर से आता था, जब भी उनके पास मैं 1.5 घंटा बैठा करता था जी जी, अगर मैं रात को भी आया तो 1.5 घंटा उनके पास मुझे ज़रूर बैठना और बात करना जी जी। तो वो हमेशा समझाया करते थे कि कभी भी किसी का दिल मत दुखाना जी जी, ये तो है, किस सच्ची बात करना जी जी, और किसी के साथ कोई बुरा मत करना, ये तो है जी। और हमेशा जो भी किसी की सेवा करो निस्वार्थ करना जी जी। तो अच्छी बातें उनसे मुझे बहुत सारी सीखने को मिली हैं जो आज मेरे जीवन में काम आती हैं जी जी, और जिन्हें लेके मुझे बहुत जगह सपोर्ट मिलती है जी जी जी। तो जैसे बात करें जैसे आपके पिताजी की बरसी आती है तो परिवार पूरा इकट्ठा होकर मनाता होगा जी, है ना? पूरा परिवार इकट्ठा होकर हम हवन होता है जी जी, और उसमें प्रसाद बनता है। लेकिन हमारे यहाँ 10-20 व्यक्ति, 30 व्यक्ति, 40 व्यक्ति रोज ही आते हैं जी जी। तो जो भी व्यक्ति उस दिन हमारे घर पर आता है सबको प्रसाद खिलाया जाता है खीर के रूप में जी जी। खीर बनवाते हैं उस दिन हम जी, सबको प्रसाद खिलवाते हैं, हवन होता है, पंडित जी को भोजन कराया जाता है जी जी। तो ये देखते हैं इधर साइड में इनके माता पिता है भाइयों। तो जो आज जो परिवार है बखूबी इनके कदम चिन्हों पे चल रहा है जी, पूरा परिवार इनके कदम चिन्हों पे चल रहा है, जो इन्होंने संस्कार हमें दिए
जी जी वो आप आगे अपने बच्चों को भी दे रहे हो। देखिए शिक्षा, शिक्षित कोई भी हो सकता है, ये तो है जी, शिक्षित होना एक अलग बात है जी जी, लेकिन संस्कार कैसे मिले हैं जी जी ये एक अलग बात है। ये तो हमें जो हमारे पिताजी ने माताजी ने संस्कार दिए हैं जी जी वो हमारे बहुत काम आए और उन्हीं संस्कारों पर हमारा पूरा परिवार आज चल रहा है जी जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों बहुत ही अच्छा परिवार है। तो जैसे बात करें अंकल जी आगे आपके जो बेटे हैं, कितने बेटे हैं जी आपके? हमारे दो बेटे हैं, दोनों शादीशुदा हैं जी जी, किनौनी गांव पड़ता है जी जी, गांव में ब्याह हैं जी जी। तो वो फिलहाल वो क्या कर रहे हैं भैया? सप्लाई का कार्य करते हैं जी जी। छोटा बेटा LLB कर रहा है जी जी, बड़ा बेटा जो है रोडी डस्ट की खान से सप्लाई करता है, ऑर्डर पर सप्लाई देता है जी जी जी। और एक होता है हमारे, एक होती है जी जी, तीन बेटी हैं, तीनों की शादी हो चुकी जी जी अंकल जी। एक की शादी दुबेशपुर गांव पड़ता है जी जी, मवाना क्षेत्र में जी जी, हाँ जगदीश पाल जी के पोते को जी जी। एक सोदान सिंह चेयरमैन हैं, बड़ी बेटी वहाँ हैं, दयानगर हापुड़ में रहते हैं जी जी, वो चेयरमैन रहे हैं पराग में जी जी। और एक बेटी हमारी राजकुमार जी हैं दयानगर की जी जी, उनका बेटा है, वो हमारी छोटी बेटी अमेरिका में रह रही है जी जी। और हमारा दामाद भी अमेरिका में रहता है। जो आपका दामाद अमेरिका में रहता है? अमेरिका में। तो कभी कहा नहीं है कि आप भी आइए एक बार अमेरिका? हाँ, वो खूब कहते रहते हैं जी जी कि यहाँ घूमने के लिए आओ, जाने का प्लान भी है जी जी, क्योंकि जब वहाँ जाएंगे तो कम से कम एक महीने के लिए तो जाना ही पड़ेगा जी जी। वो काफ़ी बड़ा शहर है, व्यस्तता रहती है, इस कारण समय नहीं मिल पाता। तो अमेरिका का फ्लोरिडा शहर है जी जी, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ जॉब है जी जी। तो कभी घूम कर आएंगे जी जी, मौका लगेगा तो जरूर जाएंगे। तो जैसे मैं बात करूँगा जी, जैसे ये आपके साथ में ये फोटो है, ये बता सकते हो कौन कौन है एक बार बताइए हमारे किसान भाइयों को? ये महाराज जी के साथ चौधरी यशवीर सिंह जो अभी दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री हैं जी जी, अभिषेक गुजर जी जी, जिनका टिकट कटा खतौली जी जी से जो है जी जी, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इधर साइड में जो खड़े हैं लाल जैकेट में, जिनके हाथ में गौ माता है जी जी जी, उनके पीछे चौधरी यशवीर सिंह है जी जी, इनके बराबर में संजय जाटव जी हैं, ये पीली जैकेट में मैं हूँ जी जी, और इधर नेहा सिरोही जी हैं जी जी, और इधर हमारे समाज के सम्मान और गौरव जी जी सोमेंद्र तोमर जी, ऊर्जा राज्य मंत्री जी हैं जी जी जी। ये देख सकते भाई ये अच्छा, जैसे आपकी जब भेंट हुई योगी आदित्यनाथ जी से तो कैसा रहा, जैसे पहली वार्तालाप हुई आप उनसे मिले, उन्होंने कुछ कहा भी था जैसे आपको? उन्होंने हाँ हमसे पूरी जानकारी ली जी जी, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी ली जी जी, कब क्या क्या रहे, कहाँ कहाँ रहे, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, माता पिता के बारे में पूछा जी जी जी। और उन्होंने हमें चाय पिलवाई, अपने साथ पढ़ा के बड़े अच्छे से बातचीत की, और उन्होंने ये कहा कि काम करो जी जी, और आपको अवसर दिया जाएगा जी जी। बहुत सौभाग्य की बात है जी जी, योगी आदित्यनाथ जी ने आपको मतलब अवसर दिया, बहुत बड़ी बात होती है जी। तो प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे यहाँ घर पे आए जी जी, हमारे बेटे की शादी थी उसमें बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए जी जी, तो उनका भी बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर जी जी। और एक सिपाही के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं जी जी, जो भी नसीब में होगा वो मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलने का, वो तो बात सत्य है, काम करना हमारा धर्म है जी जी। तो जैसे आप योगी आदित्यनाथ जी से मिले और कितनी बार मुलाकात हो चुकी है जैसे आप? दो बार हम महाराज जी से मिल चुके हैं जी जी, तो दो बार मुलाकात जी जी। तो इधर साइड में भी आए थे ना, मेरठ में भी अभी फिलहाल हाल फिलहाल में? हाँ आते रहते हैं जी जी, कार्यक्रमों में हम रहते हैं जी जी, लेकिन दो बार उनके आवास पे महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई जी जी। तो जैसे बात करें जो किसानों के मसीहा है राकेश टिकैत, वो भी आई आपके आवास पर जैसे? नहीं, राकेश टिकैत जी के पिताजी जो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे वो आए थे जब वो अस्पताल में एडमिट थे जी जी, उस वक्त मेरा उनके पास काफ़ी आना जाना था। अच्छा, लेकिन कभी उसके बाद राकेश टिकैत जी से मेरा कोई संपर्क या परिचय नहीं हुआ। तो जैसे आपकी जो बैठक है यहाँ पे, आप बता रहे काफ़ी बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, जैसे अतुल भैया भी आ चुके हैं, अतुल प्रधान भैया भी, तो आते रहते रहे होंगे जी? बहुत लोग आ चुके जी जी, बहुत, चाहे सांसद हों जी जी, चाहे विधायक हों, मंत्री हों जी जी, चौधरी अजीत सिंह जी भी जब लोक दल में थे, चौधरी अजीत सिंह जी भी आ चुके, जयंत चौधरी जी भी आ चुके जी जी, और
संजीव बालियान जी भी आ चुके, सतपाल सांसद जी भी आ चुके जी जी जी, और अपने सोमेंद्र तोमर जी भी आ चुके, अतुल प्रधान जी, सभी लोग जो एक संपर्क है जी जी। एक राजनीति से अलग हटके भी जी जो जी। संपर्क होते हैं दूसरी पार्टियों में जी जी, तो संबंध है वो राजनीति अपनी जगह, राजनीति में तो हम जो है जी जी कोई चीज उसमें नहीं रखते, राजनीति तो अपनी जगह हम जम के पार्टी की करते हैं जी जी, लेकिन संबंध के आधार पर सब लोग आते जाते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। तो जैसे जिक्र बात करें माननीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, तो कभी ऐसा हुआ इनसे भी वार्तालाप हुई हो रूबरू जैसे? नहीं, मोदी जी से मिलने का सौभाग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ जी 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 परमात्मा भोले शंकर अगर चाहेंगे जी जी तो बहुत जल्दी शायद मिलेंगे जी जी, कोशिश है। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर बहुत ही सुंदर तरीके से अंकल जी ने अपनी बैठक में लगाए हुए हैं फोटो, ठीक है, ये देख सकते हैं भाइयों। और अभी आप उनको हम अंकल जी का थोड़ा सा आवाज़ वगैरह भी दिखाएंगे, तो किसान भाइयों को जी एक बार अपना आवाज़ दिखाइए अंकल जी, एक बार आ जाइए जी। तो एक बार मैं आपको अंकल जी का आवाज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो मकान है इनकी पिताजी के टाइम का है, इन्होंने श्याल की कड़ी है सब जी जी, ये श्याल की कड़ी हमारे पिताजी के टाइम की, 50 साल पुराना मकान जी जी, 50 साल पुराना है जी। और ये बुलेट वगैरह तो आपके बालकों की होगी ना जी? जी, तो दोस्तों देखते हैं, गाड़ी अभी हमारी दोनों गाड़ी है नहीं, शहर गई हैं जी जी जी, बच्चे गए हैं जी जी शॉपिंग करने के लिए जी जी। ये हमारा इधर जो है पार्क है, अच्छा बच्चों के लिए, ये कितना पार्क है, कितना खूबसूरत तरीके से बना रखा है भाई जो है, ये सब अशोक के पेड़ जी जी लगवाए हुए हैं जी जी। तो ये बिजली के लिए कोई समस्या हो तो जनरेटर की व्यवस्था यहाँ जी जी हुई है जी जी। तो यहाँ तो काफी भीड़ लगी रहती होगी अंकल जी जब लोग आते होंगे, सुबह के टाइम जो है लोग बाग आते हैं जी जी, 11 बजे तक जो है जब तक मैं घर पे रहता हूँ जी जी। और ये ऊपर हमारा रहने सहने का है जी जी, और इधर जो है पशुओं का है जी जी। तो ये देख सकते हैं भाइयों इधर साइड में, बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं जी जी, और बड़े नीचे से निकल के आए हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई नवाब या कोई बहुत रईस खानदान जी पैदा नहीं हुए जी जी, लेकिन हमें परवरिश अच्छी मिली जी जी, और हम धीरे धीरे जी अभी जी। हम विकसित नहीं है, विकासशील हैं जी, धीरे धीरे सब हो जाएगा जी वो तो कहते हैं कि धीरे धीरे सब तरक्की मिल जाती है। और ये देखते भाई इधर साइड में देखो, बहुत ही सुंदर तरीके से बना रखा है, 3 मंजिल है ये। अच्छा ये आपने ऊपर बाद में बनवाया? हाँ ये 3 मंजिल जी जी। तो ये देखते हैं एक बार दिखा सकते हो ऊपर से जैसे? हाँ चलो, तो एक बार आपको ऊपर से दिखा देते हैं किस प्रकार से अंकल जी ने तैयार करवाया हुआ है मकान, ठीक है। और हम तो किसान भाइयों को ये कहते हैं कि अपना गांव देहात में ही मकान बनाए और गांव की जो धरती है उसे कभी छोड़ के ना जाओ, ठीक है। ये देखते हैं भाइयों है, ठीक है ये देखते हैं। अच्छा तो मेहमानों का कमरा होगा अंकल जी? नहीं। अच्छा ये बच्चे कौन कौन है बता सकते हो? फोटो में ये बच्चे जो हैं, ये हमारे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटी और 2 बेटे। ये तो बचपन का फोटो होगा जी? ये इनके बचपन का फोटो। अच्छा सबसे बड़ा लड़का ये है ना? हाँ बड़ा बेटा वो है, ये बड़ी बेटी है जो तिलक कर रही है जी जी, पीछे जो खड़ी है छोटी बेटी है जो अमेरिका में है। अच्छा ये हाँ ये इसने जो है MBA किया है जी जी, ये अमेरिका में है, अमेरिका जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों, ठीक है ये किचन है, ये डाइनिंग। अच्छा ये किचन। अच्छा आपके बाबा जी का फोटो है ना? ये पिताजी, ये आपके पिताजी। तो ये देखते हैं भाई, टोपी वोपी पहनते थे बड़े? हाँ टोपी पहनते जी जी, कुर्ता धोती टोपी जी जी जी। तो ये अंकल जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से ऊपर बनवा रखा है भाइयों, ठीक है। अपना परिवार रहता है यहाँ पे, ये यहाँ के लिए जी जी। तो ये देखते हैं, तो ये जो कारीगर थे तो वो मतलब यहीं के थे बनाने वाले हैं, बाहर के बनाने वाले यहीं के थे जी जी। तो ये देखते हैं भाइयों, और बहुत बहुत शुक्रिया करता है किसान चैनल अंकल जी का, इनको घर दिखाया बनाना होता है जी जी, तो यहाँ बनता है। अच्छा बड़ा सुंदर चूल्हा है जी, ये देखते भाइयों, और यहाँ से देख टॉयलेट जी जी। ये देखते भाई कितना शानदार तरीके से बनाया हुआ है हमारे अंकल जी ने, और सबसे बड़ी बात है अपना आज भी अपने अंकल जी गांव में रहते हैं। तो किसान भाइयों देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा अंकल जी से बातचीत करके, ठीक है। और ये देखते हैं, ये देख लो जी, ये जो है ना अंकल जी ने बताया कि ऊपर तो बाद में बनवाया, और जो नीचे है जो इनके पिताजी घर के टाइम का है, ठीक है। ये देखते दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते भी हैं, ठीक है। और ये देखते हैं भाइयों, ये देख लो जी, ये मूढ़े ये सब आपके पिताजी के टाइम के हो जी, मूढ़े पूड़े है ना? मूढ़े तो हमने मंगवाए हैं जी जी, रहते थे जी पिताजी के टाइम में भी, लेकिन अब तो ये हमारे मंगवाए हुए हैं जी जी। तो ये देखते भाई, ये पिताजी घर के टाइम का एक यहाँ पे बैठते थे पुराने ज़माने में, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो कुछ युवा पीढ़ी को कुछ कहना चाहोगे? बहन बेटी जैसे मेडल आ रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, कुछ कहना चाहोगे युवा पीढ़ी के लिए संदेश? युवा पीढ़ी जो आज एक संस्कार विहीन जी जी हो रही है,
जी जी और नशे की तरफ जा दिए। जी जी उस पीढ़ी के लिए मेरा यही कहना है कि जो बच्चे खेल मैं अपनी प्रतिभा दिखाते हुए मेडल जीत के देश के लिए ला रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जी जी, उन्हें भी खेल की तरफ आना चाहिए या राजनीति में भी एक अच्छे कार्य करते हुए देश का नाम रोशन किया जा सकता है, परिवार का माँ बाप का नाम रोशन किया जा सकता है, जी जी, या अन्य क्षेत्रों में भी नाम रोशन किया जा सकता है, नौकरी के क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जी जी, लेकिन नशे की तरफ से, जी जी, नशे की तरफ से जो है, जी जी, युवा वर्ग को हटना चाहिए, जी जी, और जैसे कि मैंने बीड़ी सिगरेट शराब मीठ अंडा पान गुटखा तंबाकू को आज तक छू के नहीं देखा, बहुत और हमारे परिवार में नफरत करते हैं इन चीजों से, जी जी, तो इसी तरह से हर युवा को जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जी जी, और एक हेल्दी जीवन और हेल्दी व्यवहार के साथ जीना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही अंकल जी ने, ठीक है, देखते हैं भाई, तभी युवा की तरक्की हो सकती है जी, हमारे भी मानना, युवा चाहे वो किसी भी समाज का हो, जी जी, युवा ही देश का भविष्य है, बहुत अगर युवा सही लाइन पर चलेगा तो देश सही लाइन पर चलेगा, और युवा ही भटक जाएगा तो उससे देश भी भटकेगा। जी जी ये तो है, लोगे कूदोगे बन जाओगे नवाब, तो बहुत बढ़िया, खेल तो एक ऐसी चीज है जी, आजकल के टाइम पे ये ऐसा है जी अंकल जी, खेलों से ही नौकरी मिल जाती है, खेल तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो फिटनेस, एक शरीर के लिए जो है फिटनेस भी रहती है, बॉडी अच्छी रहती है, जी जी। कोई बीमारी नहीं हो सकती, जी जी। और नौकरी भी मिलती है, जी जी। पैसा भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है, इससे तो बहुत सारी चीज मिलती है। हमने तो ऐसे भी देखे हैं जी, जो लड़के बीटेक कर हुए हैं वो 10-10 हजार या 20-20 हजार कर रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन जो लड़का खेल में है उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी बहुत जल्दी मिलती है, बहुत आसान मिलती है, कम शिक्षा में मिल जाती है, जी जी, वही है ना कि बड़े बुजुर्गों की कहावत है, खेल का तो बहुत बड़ा महत्व है, खेल तो इतनी अच्छी चीज है कि जितनी देर भी प्रशंसा की जाए कम है, जी हम जी। भी क्रिकेट भी खेले हैं, कबड्डी भी खेले हैं, कुश्ती भी लड़ी है, जी जी, हमने भी, जी जी, लेकिन हम जो है इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए, हमारा राजनीति का शौक था, इधर चले गए, जी जी, सबकी अलग अलग रुचि होती है, बहुत अच्छी चीज है, खेलों के प्रति तो युवाओं को जागरूक होके, जी जी, और इसमें लगातार, जी जी, काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इससे अपने समाज का भी नाम रोशन होता है, अपने गांव का, अपने गांव का, क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का, सबका नाम रोशन। तो ये देखते हैं भाइयों, बहुत ही अच्छा लगा अंकल जी से बातचीत करके, और हमें अंकल जी ने अपना घर भी दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, एक बार किसान भाई ने राम राम कर दो जी, सभी किसान भाइयों को राम। अंकल जी आप बता रहे हैं जैसे आपके गाँव में क्या चीज है जी? हमारे गाँव में वैसे तो सभी चीज है, जी गाँव है, ऐतिहासिक गाँव है, जी जी, लेकिन एक सबके फायदे की बहुत अच्छी चीज हमारे गांव में है, जी जी बताइए, महात्मा जगदीश्वरानंद आरोग्य आश्रम, जी नेचुरोपैथी सेंटर, जी जी, जिसमें मिट्टी पानी हवा सूर्य चार चीजों से इलाज होता है, कोई दवाई का सेवन नहीं कराया जाता, जी जी, और लाइलाज रोगी मेदांता से एम्स से, जी जी, पता नहीं कितने हॉस्पिटलों से जो है यहाँ लाइलाज रोगी आते हैं जो ठीक होकर जाते हैं, ठीक होकर चले जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं, यहाँ 99% मरीज जो आते हैं पूरे भारत से आते हैं, जी दूसरे देशों से भी आते हैं, जी जी, IAS IPS अफसर आते हैं जो यहाँ इलाज लेते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, जी जी, तो वो सब ठीक होकर जाते हैं, यहाँ का जो इलाज है वो मिट्टी पानी हवा और सूर्य जो रामदेव जी भी दे रहे हैं, जी जी, रामदेव जी के यहाँ बहुत महंगा है, जी जी वो तो हमारे यहाँ बहुत सस्ता है, जी जी, रामदेव जी के यहाँ से भी निराश हुए मरीज हमारे यहाँ आते हैं, जी जी, जो यहाँ इलाज लेते हैं, तो कब यहाँ से ठीक होके जाते हैं, कब से चल रहा है जी जैसे ये मतलब? सन 69 से चल रहा है, महात्मा जगदीश्वरानंद जी ने स्थापना की थी, 1969 में आके गवर्नर साहब ने इसको शिलान्यास किया था, जी जी, भारत सरकार भी तो इसको एड देती जी, भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त है, एड देती है और डिप्लोमा भी देती है, जी जी, तो भाई जब कभी भी आप आओ तो आप पांचली गांव जरूर आना, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा कल सुबह, ठीक है, वो बहुत ही भाइयों उस सन से अब तक चलता रहा जी, उस सन से अब तक चल रहा है, वेटिंग में मरीज इतने आते हैं कि वेटिंग में रहता है, जी जी, और स्वर्ग है वहाँ तो, आदमी को बिल्कुल जीवन का स्वर्ग है। ये कौन सी रोड पे पड़ता है अंकल जी हॉस्पिटल? ये इंटर कॉलेज के बराबर से सड़क गई है, उसी पे है जो अफजलपुर पावटी के लिए सड़क जाती है, जी जी, तो ये देखते हैं भाइयों, अच्छा बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे,
तो ये देखते भाइयों, ये इलाज रोगी कोई भी बीमारी, तो जी जी, तो ये देखते भाइयों, और सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है उस हॉस्पिटल में, सबसे बड़ी बात है भाइयों, ठीक है। तो भाइयों बहुत ही अच्छी जानकारी दी अंकल जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज इनका किसान चैनल। राम राम जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी।